हेलो जी, वी आर फाइनली बैक विद न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? भाई होप सब ठीक हो गए, सेहत तबीयत ठीक है, खैर खैरियत से हो। तो बाबा जी अभी से बता रहा हूँ, जिसने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, नीचे ये जो निशान नज़र आ रहा है ना इसको लाइक कर दो। सीन कुछ ऐसे हैं कि अभी बिल्कुल उठे तो बहुत जल्दी थे हम लोग, मौसम बहुत फिट हो गया, गर्मी शर्मी ख़त्म हो गई है क्योंकि अब ठंड आ रही है ना पाकिस्तान, तो सुना है ठंड हो गई है काफ़ी ज़्यादा। तो इंशाल्लाह बहुत लोग याद कर रहे हैं हमें, तो बहुत जल्द हम आ रहे हैं पाकिस्तान, टेंशन नहीं लेनी। तो अभी जा रहे हैं हम थोड़ा मार्केट अबू और के साथ, चलते हैं। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो बहुत रोना है आपका। जी इनको मेरा ख्याल में दिल ही नहीं कर रहा इनको बस में जाने का, मैं तो कह रहा हूँ बस पर ट्रैवल करते हैं, चांस है कि इधर आज इधर की बसें देखे क्या है, क्या सीन पार्ट है, लेकिन फिर उन्होंने अपने किसी दोस्त को रोक लिया है, अल्लाह करे वो कहे मैं कहीं जा रहा हूँ तो अपन जाए बस में। तो क्या सीन है अबू जी, बाबा और के सीन ने के सीन दसे ने, गोली गोली दे दीती है, गोली गोली करा गया संगी गोली करा गया। तो चलते हैं फिर, थोड़ा सा यहाँ से हमें 5-1 मिनट का सफ़र तय करना पड़ेगा, उसके बाद बस पे जाएंगे। तो जो हमने जो उधर से मार्केट से सामान शामान लेना था वो लेके तो वापस। लो जी ये स्कूल है इंडिया का, बहुत बड़ा स्कूल है, बहुत बड़ा स्कूल वल्ला। इधर से आपको मैं दिखाता हूँ, आगे से जाके दिखाऊंगा, सही बड़ा स्कूल है। इसी के साथ पाकिस्तान स्कूल है, दोनों स्कूल साथ साथ हैं, एक इंडिया वाला ये है और पाकिस्तान वाला उसके साथ है। इधर कलर वगैरह मेरे पड़े हैं, वेट मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख लो जी इंडिया स्कूल, उधर कोने तक इंडिया बड़ा है, काफ़ी स्कूल है ना, पाकिस्तान पाकिस्तानी स्कूल देखते हैं, मतलब पाकिस्तान का स्कूल देखते हैं ना, माशाल्लाह गर्ल्स भी और इंडिया साथ पाकिस्तान देख के आ रही है माशाल्लाह। ये पाकिस्तानी क्यों रे आन, याद है तुम इधर ही पढ़े हुए हो। ये है जी इंट्रेंस पाकिस्तान स्कूल की, अच्छा है काफ़ी बड़ा है ये भी स्कूल, एडमिशन ब्लॉक ठीक है जी। ये है जी इसकी बैक, वो साइड से था और ये अभी साइड से है, देख लो जी बहुत बड़ा है, पाकिस्तानी स्कूल से बड़ा है। हाँ इंडियन स्कूल सलाना जी भाई, ये तो मैं तो यही सोच रहा हूँ कि इस इंडियन स्कूल में एडमिशन दिया जाए, अपने इंडियन भाइयों के साथ स्कूल पढ़ते हैं इधर ही, अगर इधर रहे तो फिर पढ़ लेंगे। बाकी निज़ाम चेक करो इधर का, आए पानी दे रहे हैं सब, सब्जी शब्जी ये जितने भी तरफ शरख लगे हुए हैं इन सब को खोलने, तो अगर इधर एडमिशन हो गया तो फिर हम अपने इंडियन भाइयों के साथ स्कूल पढ़ेंगे। ठीक है जी भैयों, उफ चल चल थक गए हैं, अब आने भी हो गई हैं, बस पता नहीं कब आएगी। लुलू तो आ गए हम लोग मार्केट, ना जाने और हमको कितना सफ़र तय करना पड़ेगा। कुछ ऐसे हैं कि नमाज़ के लिए अभी हमें इधर माल में आना पड़ गया क्योंकि नमाज का टाइम हो गया ना, इस वजह से पढ़ते हैं नमाज। खुल जा सेम सेम, खुल गया सेम सेम, तुम भी खुल जाओ, तुम भी खुल गए, तो नमाज पढ़ते हैं तो फिर चलते हैं। ये औरतों के लिए और वो मर्दों के लिए, थोड़ी लग गई है भूख, मैंने क्या कुछ खा लेते हैं समोसे वगैरह, ढूंढते हैं किधर है समोसे शमोसे, कोई इस साल की कुछ चीज़ दो जी, ये हैं समोसे शमोसे खा लेते हैं फिर किसी। मजे कर, बस स्टॉप बस का इंतज़ार कर रहे हैं, बस स्टॉप आए हैं तो टैक्सी वाला मत्थे लग गया जी, कहना साढ़े नाल भी हो तक लो,
अरबी मार रहे जी। देख लो बस अगर आ नहीं आती तो चलो चले जाते हैं इसी पे। हाँ लेट है बस क्योंकि फिर इशा का टाइम होता है, मगरिब अभी पड़ी है, आएगी लेकिन फिर वो टाइम हो ज़्यादा हो जाएगा ना। नहीं नहीं ज़्यादा नहीं, वो आ रही है, हैं आ रही है। हल्ली वली करो لكن الحين في خبر هذا نمونا وانا كله شوف ايوه مني كان خمسه سلاله هذا كله في سلاله هذا داريز كم تحت داريز فوق داريز داريز شماليه داريز ما جنوبيه في انا خبر غير عن داريز باقي خبر غير عن في جنوبيه ولا سعود شماليه ايوه ايوه سلاله هان جي كون تھا والا अच्छा जी कोई बर्तन शर्तन देने वाट पाट बड़ा कुछ चेक करो जी यार किस्म के हैं। गोल्डन वाला वो कौन सा है, वो इधर है? नहीं वो कोई नहीं है। अच्छा तो फिर जो परसों के लिए लेना है वो बताओ। ये देख कितने कितने कीमत हुई है, पाली हुई है, ये देख कितने कीमत 16 रियाल 26 रियाल ये दूसरे गोल्डन वाले तो इस तरह के थे। बड़ा देखते हैं कोई जी। तो परसों हमने दावत दी है सबको, तो उसके लिए वो कह रहे हैं कोई पतीला होना चाहिए बड़ा चावल शावल के लिए ना, तो इसलिए लेने आए हैं बड़े वाला। मैंने क्या किसी से वक्ती पकड़ लेते, कहते नहीं अपना ठीक है जी अपना ले लेते हैं। अभी इनमें से कोई देखते हैं, या ये इसमें नहीं है, ये ठीक है बड़ा। क्या बताओ आप लोग, ये सही है? क्या बताओगे हम सब देख लेंगे। बाकी ये एक कप चाय बनाने के लिए है। अच्छा जी व्हाट इज़ दिस, इसका मुझे नहीं पता ये किस लिए है। हर चीज़ के लिए इस्तेमाल हो सकता है। 250 पैसा। और हाँ ये प्यारे हैं ना, ये प्यारे हैं ना कप, वाओ। अच्छा जी ये भी प्यारा है, गुड। पठाना वाला मग पसंद आ गई और चंगा पला पसंद नहीं सोए। अल्लाह ले की कर रहे हो, प्यारा है लेकिन ये महंगा बहुत है। 20,000 18,000 रुपये के वही 12-13 उसमें 15 एक आदमी। ये वाला ये बड़ा है? हाँ बड़ा है ना। 20 लीटर है 15 लीटर? 5 लीटर का फर्क है। ना ये सही है, फिर ये डिस्काउंट करेंगे ना। क्यों? फिक्स प्राइस पहले इसको ऊपर और ज्यादा टैक्स है। अड्डे तू सामने लूट रहे हो। बाकी हम अपना थोड़ा सा शुगर मेरा देखें, आप लोगों को दिखाएं बर्तन देखें। बर्तन कप शप कितने प्यारे प्यारे हैं, वल्ला आपको दिखाते हैं। जरा जिस चीज़ की शादी के बाद कोई सामान शमान लेना हो तो मुझे बता देना। चेक करें जी ट्रे कितनी प्यारी प्यारी है, वल्ला दिल आ जाता है बंदे को देख के लेने का। हाय 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 व्हाट इज दिस, इतने रख दी होना इतने अरबी थे तफे मार रहे निशान। वो यही पूछा, चलो हमने जो लेना है वो ले के जाए ना, बाद में आपको दिखाएंगे। तो भाई ये बहुत महंगे महंगे बर्तन हैं, बहुत महंगे महंगे बर्तन हैं वल्ला कसम से। छोटे छोटे एक एक बर्तन पाकिस्तानी 15-15, 20-20 हज़ार के आप लगा लो। ये होगा 22 रियाल का तो 10-15 हज़ार का, ये होगा 13 हज़ार का तो वो होगा फिर 15 हज़ार रुपये का। वल्ला बहुत महंगे महंगे हैं कसम से। तो फाइनली ये वाला आ गया पसंद, सही है ये बड़ा भी है, सही है। आहो ईशा की भी दाने हो रही हैं, आपको क्या कहा था, क्योंकि इधर तकरीबन 6:30 जमात होती है मगरिब की, तो 7:30 ईशा की जमात हो जाती है, घंटे का फ़र्क है। नमाज पढ़ के निकलता है बंदा घर, 10-15 मिनट बाद फिर नमाज़ान शुरू। चलो जी चलो अभी फिर टैक्सी ढूंढ रहे हैं वापसी घर की तरफ जाने के लिए। ये तो हमने ले लिए टैक्सी आए तो आपको डायरेक्ट जा रहे हैं। ये आ गया है ना,
फिर जाना पड़ेगा जो उसकी उसे बंदे की हाँ दो मिनट भी नहीं रखते रियाल में वापस भी ले जाता 500 जाना 500 संगी स्टाइल मार चल तेरी ऐसी दिता ऐसी टैक्सी ने हालत ही बहुत गंदी की है सबर अच्छा सौदा हो रहा ना मैं पहले दोबारा को जी गाइस तो आ गए अब नमाज़ पढ़ने गए हैं तो अपन ने एक दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ उसने मिलना था तो फिर चलते हैं इंशाल्लाह ताला खाना खाने ठीक है मज़ा आया कोई नहीं आ जाओ थोड़ा वो सैर शैर कराइए आगे पीछे की भी यस पैदल से ही लेकिन कराई है तो मिल गए हैं मैं भाई अस्सलाम वालेकुम भाई वालेकुम अस्सलाम कैसे हो ठीक हो सेहत तबीयत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी ये क्या है इस बारे में थोड़ा बता दें हमारे पाकिस्तानी भाइयों को ये जी जैकेट जैसे पाकिस्तान में ना आपको ट्रैफिक पुलिस वाले बोलते हैं कि आपके सर पे होना चाहिए हेलमेट वगैरह हेलमेट होना चाहिए बाइक की कॉपी होनी चाहिए लाइसेंस वगैरह नहीं तो चलान ठोकते हैं ये हमारा लाइसेंस है ये नहीं होगा तो हमारे यहाँ पे 10 रियाल 15 रियाल ग्रामा हो जाता है जैसे चलान हो जाता है मतलब 10-15 रियाल साइकिल पे साफ लगा लो इधर मोटरसाइकिल बहुत काट वाती हुई खेने में साइकिल ही देखी है लेकिन वो भी रात को आपको ये इसका होना चाहिए ऊपर तो सख्ती है वो तो आए हैं भाई के साथ खाना शाना खा ले मैंने क्या खाना भी आ गया भाई भी आ गए भाई और ही थोड़ा सा शर्मा रहे हैं लेकिन सेट हो जाएंगे सेट हो जाएंगे इनको पता लगेगा ना हम जिस टाइम पिंडी से हैं तो ये सेट हो जाएंगे थोड़ा खाना शाना खा लें फिर गपशप मारते हैं तो फिर चलेंगे तो वहाँ से उठाए हैं भाई और ही कहते हैं हम उससे भी अच्छी जगह पर ले के जाते हैं आपको खाना खिलाने जब आ गए समझ लो कौन सा होटल है भाई इसका नाम क्या है मसाम अल अजीज करीब सुन लिता ने तो जाके चेक कर दिए के हो जा टेस्ट लेना पाकिस्तानी होटल है पाकिस्तानी होटल है खा के पहले बंगाली होटल था अब ये पाकिस्तानी इतना कुछ खा लिया है ये मैं जो 5-6 दिन रह गए इसी में अपने जैसा बनाने लगे हैं बड़ी बात बॉडी बिल्डिंग आप ही करते हैं जिम करते हैं लेकिन असर नहीं करता भाई ये क्या असर करेगा खाने खाएंगे इंशाल्लाह अरे पाकिस्तान ऐसे ये कुछ भी नहीं लेकिन फिलहाल खा के आए थे हाँ जी मैं सी ये खाएं और वो दोनों में डिफरेंस बताएं आप फर्क है वैसे इसमें नज़र आ रहा है इससे और उसमें तो जी गाइस आ गए खाना शाना खा के बाकी यहीं पर करते हैं व्लॉग एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अल्लाह हाफिज़